Okay, let us start our session again. Break is over and here we go. Break ke pehle kahan tak kar liya tha? 15 tak. Ab shuru karte hain 16 se. Here we go. Hai na? Chalo shuru ho jao. Beta baatein na kare aur ye question dhyan se kare. Kya likha hua hai? Following are the two normal equation. Baat yahi khatam ho gayi. Equation kaisi hai? Normal hai. Regression equation to nahi hai? Nahi hai. Agar regression equation dekho. Following are the normal equation obtained for deriving the regression line. Ab ek baat डिग्रेशन लाइन फाइंड एक्स एंड फाइंड ऑफ वाई एंड एक्स. ठीक है भैया, हमसे पूछा क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन. कौन सी पूछी? वाई ऑन एक्स वाली. अरे देखो ना, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई एंड एक्स. नहीं 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 नहीं, ऑफ वाई ऑन एक्स. हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग होती है ना बेटा, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों अलग अलग होती है. तो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स पूछा है मुझसे. y on x पूछा है मतलब byx वाला पूछा है. ठीक है, अब एक बात मैं आपको, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि इसमें से ना वो ऐसा, इस दो इक्वेशंस में से एक में से वो byx निकाल लेते हैं जबरदस्ती, मतलब ab को xy लिख देते हैं. मैंने बहुत सारे बच्चों को गलती करते हुए देखा. बोर्ड ने क्या किया, ये ab जो लिखे हुए ना इनकी जगह xy लिख दिया. उन्होंने सोचा प्रिंटिंग मिस्टेक है, xy लिख देते हैं. क्योंकि जब आपसे पूछा y on x है तो फिर ab कैसे दे सकते हैं? बच्चों ने क्या सोचा कि जब हमसे पूछा xy है तो ab कैसे दे सकते हैं? ये भी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता. अगर हमसे एक्स वाई पूछा है तो इक्वेशन भी एक्स वाई में देनी होनी चाहिए. तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने ये किया, 5x लिख दिया इसको. इसको 5x plus 10y is equals to 40 लिख दिया पहले इक्वेशन को, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिख दिया. एक से निकाल लिया byx, एक से निकाल लिया bxy, और ऐसे करके आंसर निकाल लिया. समझ लो? नहीं नहीं, ऐसे करके आंसर नहीं निकाला. ऐसे करके उन्होंने सिर्फ ये कंफर्म कर लिया, आर की वैल्यू निकाली प्लस माइनस वाली, फिर देख लिया अगर आर लिमिट में आ रहा है तो जो अजम्पशन है वो सही है. और वो समझ गए पूरी प्रोसेस, थोड़ी थोड़ी ये पूरी गलत प्रोसेस है ये मैं गलती समझा रहा हूँ कि गलती ऐसे होती है ये गलती नहीं करना अपने को क्योंकि क्यों गलती नहीं करना बेटा आंखें खोलना है आंखें खोलोगे तो पहली लाइन में दिखेगा कि क्या लिखा हुआ है नॉर्मल इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन नहीं है ये नॉर्मल इक्वेशन है तो जब नॉर्मल इक्वेशन को रिवर्सिव रिग्रेशन में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते है ना ये तो नॉर्मल इक्वेशन ना रिग्रेशन थोड़ी है क्या तो आप ध्यान से सुनना बेटा इसके नॉर्मल इक्वेशन सुनो मेरे लाल पीले हरे तब भी दोनों में से ए निकाल लेंगे. हाँ बेटा, अब पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 10a plus 20b is equals to 4 to 80. और दूसरी इक्वेशन को एज इट इज लिखूंगा 10a 25b 95. वेरी गुड बेटा. माइनस 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 0 माइनस 5b माइनस 15. तो b की वैल्यू, कोई डाउट? b की वैल्यू 3. अब हाँ, वेरी गुड बेटा. अब b की वैल्यू आ गई 3, तो a की वैल्यू निकालता हूं, तो 5a प्लस 10b, 10bb कितना है 3, मतलब मैं पहली इक्वेशन में रख रहा हूँ वैल्यू, तो 5a कितना आ जाएगा 10, तो a कितना आ जाएगा 2, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई. बच्चा जी इधर देखो, तो इक्वेशन क्या आएगी, y is equals to a plus bx, a कितना है 2, b कितना है 3, y 2 plus 3x, ऑप्शन ऑप्शन 3. कोई डाउट तो नहीं बेटा जी? समझ में आया बेटा? ऐसा कब करते हैं? जब नॉर्मल इक्वेशन दी हो. कैसी दी हो? नॉर्मल. अगर रिग्रेशन इक्वेशन दी होती ना तो सिर्फ कंफर्म करना होता कि कौन सी है, कौन सी y on x है, कौन सी x on y है, सिर्फ कंफर्म करना होता. बट इनने रिग्रेशन इक्वेशन नहीं दी, इनने नॉर्मल दी और नॉर्मल से रिग्रेशन पूछ लिया. समझ में आया? बहुत बढ़िया. वैसे देख के सूझ पड़ जाएगी कि यहां से ए बी आएगा और ए बी यहां रखना है. आगे बढ़े. अच्छा सुनो, ये y on x की जगह x on y पूछ लेते तो, x on y पूछ लेते तो y की जगह x लिख देते. x is equals to a plus by, x is equals to a plus by, x की जगह y लिख देते. अगला क्वेश्चन, if the regression line of y on x and x on y are given as this this, the arithmetic mean, mean mean मतलब x bar y bar. वेरी गुड. इलिमिनेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, जो एक्स वाई आता है वही मीन होता है. खत्म. करवाया क्या मैंने क्वेश्चन?
हाँ वेरी गुड। चलो पहली इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, हाँ टू टू सा फोर एक्स सिक्स वाई माइनस टू। दूसरी इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे फाइव एक्स सिक्स वाई माइनस वन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 प्लस, फोर माइनस फाइव एक्स जीरो, वन माइनस टू माइनस माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू हो गई प्लस का वन। चलो एक्स की वैल्यू प्लस वन, मुझे दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट। बेटा एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है, वाई की वैल्यू हमेशा बाद में लिखी जाती है, तो इनमें इस ब्रैकेट में अगर पहले वन लिखा हुआ है तो ये एक्स की वैल्यू होगी, और वन कहीं पे भी एक्स की वैल्यू आ गई, ऑप्शन आ गया। एनीवे मैं आप चाहो तो वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, फोर एक्स, तो फोर एक्स को सीधा फोर लिख देते ना, फोर प्लस सिक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू, तो सिक्स वाई हो जाएगा माइनस सिक्स, वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, ऑप्शन यही करेक्ट है, ऑब्वियस बात है। हाँ ये बच्चा बच्चा जी किसी बच्चे को ये भी तो लग सकता है कि ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि उसमें भी तो माइनस वन में वन है। कभी भी जीवन में ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक्स पहले आता है, ब्रैकेट के अंदर एक्स हमेशा पहले आता है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन क्या भी को ओहो आइडेंटिफाई करना है बेटा, थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टीन, और एक इक्वेशन है टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी, विच वन इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। y on x पूछा है भैया कि कौन सी इन दोनों में से, खाली आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है बेटा आइडेंटिफाई कि y on x कौन सी, x on y कौन सी, बता कौन सी, अजम्पशन करके r निकालते हैं, r की वैल्यू अगर लिमिट में आई तो सही, अजम्पशन सही, r की वैल्यू लिमिट से बाहर आ गई तो अजम्पशन गलत। अब लेकिन अजम्पशन तो करना पड़ेगा ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा क्या अजम्पशन क्या लूं, किसको मानूं, एक बोला फर्स्ट वाले को बी वाई एक्स कर लें, ठीक डन। इस बच्चे ने बोला कि पहली वाली इक्वेशन को y on x मान लो, ठीक है ना, तो मैंने मान लिया, अजम्पशन ले लिया मैंने, है ना, ये अजम्पशन मेरा गलत भी हो सकता है, ठीक है, हाँ गलत होगा ना, सही बात बेटा। तो बी वाई एक्स निकालना ना, सबसे पहले वाई को इधर छोड़ो, उधर ले जाओ थ्री एक्स प्लस थर्टीन, ठीक है। अब ये वाई ऑन एक्स की, तो दूसरी अपने आप कैसी हो जाएगी बेटा, बी एक्स वाई हो जाएगी, तो टू एक्स इधर ही रखो, माइनस फाइव वाई इज प्लस ट्वेंटी, बेटा बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सुनो मेरे लाल, इधर देखो, यहां से क्या मिलेगा बी वाई एक्स, कितना मिलेगा माइनस थ्री, दूसरा क्या मिलेगा यहां से माइनस फाइव बाई टू। अरे आप तो सुन ही नहीं रहे, बोलो हाँ क्या ना, ये वाई के साथ जो होता है वही बी एक्स वाई होता है ना, ये पता है ना अपने को, ये जो वाई के साथ होता है ना यही होता है अपनी वैल्यू। चलो अब मुझे क्या निकालना है, आर की वैल्यू, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या, अंदर दोनों माइनस किया तो बाहर भी माइनस आएगा, कॉमन सेंस, माइनस थ्री, अरे कहाँ गया, एक वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू, हाँ फिफ्टीन बाई टू, हाँ सही बात है बेटा, माइनस सेवन पॉइंट फाइव, कितना होता है ओहो हो, ये तो माइनस का टू आ गया, माइनस टू पॉइंट सेवन। अब हमारी जो आर की वैल्यू होती है ना, वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू माइनस वन या लेस आर इक्वल्स टू प्लस वन, है ना, माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए। अब माइनस वन से बड़ी मतलब जीरो, माइनस जीरो पॉइंट फाइव, माइनस जीरो पॉइंट नाइन, है ना, ये माइनस टू पॉइंट सेवन माइनस वन से छोटा है, बड़ा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे माइनस से दूर जाते हैं ना, जीरो से जितना दूर जाते हैं उतना छोटा होता जाता है, तो माइनस टू पॉइंट सेवन अपने को एक्सेप्टेबल नहीं है, अपने लिमिट से बाहर है, तो अपना अजम्पशन रॉन्ग है, अपना अजम्पशन रॉन्ग है, मतलब पहली बी वाई एक्स नहीं है तो दूसरी है, खत्म दूसरी, अरे जब पहली नहीं है तो कौन दूसरी, तो अब पूछा गया था आपसे वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स हमने पहली अज्यूम करी थी, पहला अजम्पशन हमारा गलत निकल गया, तो पहली नहीं है तो दूसरी, तो ऑप्शन सेकंड इक्वेशन, लॉजिक रीजन सबको समझ में आ रहा है ना बेटा, बहुत बढ़िया। बस बहुत छोटे बचे बेटा, आगे बढ़े, चल अगला क्वेश्चन कौन करेगा, आप करोगे, अरे वही क्वेश्चन आ गया, Which equation is x on y? भैया जी इधर देखो, x on y पूछा है, क्या पूछा है, मतलब बी एक्स वाई वाली पूछी है, किसको मानूं, आपका assumption इस बार कौन बताएगा,
एक बोलो, चलो फर्स्ट को मान ले, इस बच्चे ने बोला कि सर फर्स्ट को मान लो, मैंने फर्स्ट को मान लिया। हमको निकालना है bx y, आपने बोला फर्स्ट वाले को सर bx y वाली मान लो, तो मैंने दूसरी वाली को क्या अपने आप by x बन जाएगी। अभी x वाली है तो x पहले आएगा, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा 3/2। दूसरी वाली इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे y को पहले रखना चाहिए, y इज इक्वल टू सब पता चल जाएगा बेटा, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। चलो यहां तक तो सबको सही चल रहा है अपना, है ना, अब बस r की वैल्यू निकालना है अपने को। अरे नहीं, दोनों नेगेटिव कहाँ आ रहे, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, हो ही नहीं सकता। शांति रखो बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि r के अंदर नेगेटिव आंसर आ जाएगा, नहीं हो सकता। क्या करें, क्या करें, उल्टा करके देखो और क्या, देखो करके, हाँ देखो एक बार फिर से देखो, हाँ बेटा सारे बच्चों को देखो, आपने देख लिया सारे बच्चों को देखो, उल्टा करके देखो, उल्टा करने से भी सही हो रहा है कि जैसे हमने पहला assumption क्या लिया कि bx y पहली है, दूसरी by x है, अब इसका उल्टा assumption ले लो, हाँ पहली वाली को by x मान लो, फिर भी प्लस माइनस आ रहा है, तो फिर नन ऑफ दिस ऑप्शन। बट वही तो है, लेकिन वेरीफाई करना जरूरी है ना। 2x-3y10, इसको मान लो, सुनो मेरे लाल, इसको अगर मैं by x मानता हूँ और दूसरी वाली को 3x+4y = 15 मानता हूँ, और इसको मैं मानता हूँ bx y, फिर भी अगर एक पॉजिटिव आ रहा है, क्या by x पॉजिटिव आ रहा है 3y, हाँ ये पॉजिटिव आएगा, और बी एक्स वाई कैसा आएगा, तो दिख ही रहा है नेगेटिव आएगा, क्योंकि x को इधर छोड़ूंगा -4, हाँ सही बात है ये नेगेटिव आएगा। तो ऑब्वियस बात है कि दोनों में यही हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है, मतलब दोनों आंसर नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। समझ आया बेटा, नन ऑफ दिस क्यों है, क्योंकि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का साइन हमेशा सेम होना चाहिए, तभी आंसर आ सकता है, जबकि यहाँ दोनों अजम्पशन में ऐसा नहीं हुआ, तो दोनों अजम्पशन गलत है, मतलब फिर नन ऑफ दिस, देखो ऑप्शन नहीं बचा। अगला क्वेश्चन, U दिया है, V दिया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन क्या, बीवाई एक्स या बी एक्स वाई, है ना, ऑफ वाई ऑन एक्स, अच्छा बीवाई एक्स 2.4, व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ V ऑन U, क्या पूछा है, BVU पूछा है, अरे इधर देखो, PVU इज इक्वल टू खाली स्पेस, खाली स्पेस और बीवाई एक्स, हाँ ना, ध्यान से देखो बेटा, नहीं आप ध्यान से देखो, एक ही बार समझाऊंगा, अगली बार नहीं समझाऊंगा बेटा, v पहले है यहां पे, v पहले है, तो v वाली इक्वेशन पे जाओ, और v में x के y के साथ क्या आ रहा है, तो लिखो पहले यहां पे, ठीक है, अब u बाद में है, तो u वाली इक्वेशन में जाओ, और u में x के साथ क्या आ रहा है 2, तो ये चेंज ऑफ स्केल है ना, तो चेंज ऑफ स्केल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो चेंज ऑफ स्केल क्या है 2, तो लिखो 2, बस खत्म। x की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई है तो आपको आता ही है, वेरी गुड बेटा, -1 3.6, वेट आउट मल्टीप्लाई 3/a वाला फॉर्मूला, ये c/a वाला फॉर्मूला है, अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता ना, तो मैं सिर्फ प्लस माइनस लेता, इसका एक साइन, इसका लेता प्लस, इसका लेता माइनस, प्लस माइनस माइनस, आंसर यही आता, नेगेटिव आता। कब आता है ऐसा, कब होता है, जब ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता, पर ये कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, तो रिग्रेशन में c/a आता है, याद रखने के लिए याद रखना, रिग्रेशन में c/a आता है और कोरिलेशन में सिर्फ प्लस माइनस आता है। आगे बढ़े बच्चा जी, अगला क्वेश्चन,
हो अच्छा, अरे ये तो आसान क्वेश्चन है। ये कैसी इक्वेशन है? वाई ऑन एक्स है। तो इसने लिखा है क्वेश्चन में, मुझको कोई आइडेंटिफाई नहीं करना है, लिखा है। तो 4y कितना हो जाएगा? y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बोलो आके ना। अब यहां से मुझे कोई बच्चा vyx बता देगा क्या? ठीक है, कोई बच्चा मुझे क्वेश्चन में देख के r की वैल्यू बता देगा क्या? चलो, किसी बच्चे को ये फॉर्मूला पता है, आर प्लस माइनस बी एक्स वाई बी वाई एक्स रूट के अंदर। अब सुनो, आर दिया है, बी वाई एक्स दिया है, तो बी वाई एक्स वाई निकल जाएगा, निकालो। हाँ, और ये प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो प्लस है तो तीसरा भी। अरे ऑप्शन ए, मेरा आंसर आ रहा है 0.45 ऑप्शन ए। क्या सब बच्चों को यही आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। डन बेटा जी, अगला क्वेश्चन। पांच पूछ लिए आर। रिग्रेशन का वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स ये दी है, वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये वाई ऑन एक्स है। अगर ये वाई ऑन एक्स है तो यहां से बी वाई एक्स मिल जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस थ्री। ये किसकी है? एक्स ऑन वाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो बी एक्स वाई मिल जाएगा माइनस का 1 बाय। जब दोनों है तो आर क्यों नहीं निकलेगा? आर निकलेगा और नेगेटिव आएगा। हाँ, 1/4 रूट के अंदर, या मैं ऐसा कहूँ कि माइनस का 1/2, या माइनस का 0.5। ऑप्शन वेरी गुड, ये तो बड़ा फास्ट क्वेश्चन था, आ सकता बेटा। सेट बी की तो आ सकते हैं। और इस चैप्टर से ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, ध्यान रखना इस बात का। जैसे कि चार मेथड उसकी है, तो यही पूछ लिया कि कहां कौन सी मेथड लगेगी, फॉर्मूला ही पूछ लिया चार के। क्या बेटा? 4 to 5। इक्का दुक्का चैप्टर को छोड़ के आप हर चैप्टर को 5 नंबर का मान के चलो, क्योंकि सीधी सी कैलकुलेशन बेटा, 100 नंबर का पेपर है, 18 चैप्टर है, 18 × 5 कितना होता है? 90 होता है। 10 नंबर घट रहे हैं, वो 10 नंबर किसी किसी चैप्टर में ज्यादा मिल जाएंगे। टाइम वैल्यू मनी, बस समझ गए, सीधी कैलकुलेशन है। 18 × 5 करोगे 90 मार्क्स, मतलब हर चैप्टर को 5 नंबर का तो मान के ही चलो। तो 18 में 5 से गया, 90 आ गए। अब बोलते सर 10 नंबर बच गए, वो 10 नंबर आपको किसी चैप्टर में बढ़ के मिल जाएंगे। जैसे टाइम वैल्यू मनी में 8 नंबर 9 नंबर के क्वेश्चन आते, तो वो 4 वहां मिल गए, बचे वो 6 चैप्टर में बढ़ जाएंगे, किसी चैप्टर में 2 नंबर ज्यादा आ गए। चैप्टर 14 वो शायद 10 नंबर का था, 9 से 10 नंबर का था, ऐसा कुछ था, तो 5 नंबर वहां मिल गए। हाँ, बट ये मान के चलो कि हर चैप्टर से 5 नंबर का आना ही आना। हाँ, तो एक दो के इधर आगे पीछे हो जाएंगे, कहीं और एडजस्ट हो जाएंगे, किसी से 4 का आ गया तो 1 नंबर कहीं और एडजस्ट हो जाएगा। पर आपका अजम्पशन ये होना चाहिए कि हर चैप्टर से 5 नंबर। हाँ, कोई भी चैप्टर छोड़ने लायक नहीं, सारे चैप्टर से 5 नंबर का आएगा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिससे 1 नंबर का आएगा।
वो थोड़ी मेहनत प्रैक्टिस तो उसी को तो कहते हैं बेटा, चार पांच रिविजन कर लिए तो फिर क्यों ना आए। जिस बच्चे ने चार रिविजन कर लिए उसको सूझ पड़ जाएगी, सब रिविजन कराएंगे। चलो आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन करो। इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड वेरियंस ऑफ वाई आर -3/4 असंभव एंड 4। हाँ तो मैंने असंभव क्यों बोला, समझ गए? फिर बट कोई नहीं, दिया है तो दिया है, क्या कर सकते हैं। हाँ बेटा, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स, अभी बता देते हैं। याद आया कुछ, बीती बातें याद आई? स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कितना है? 2। एक्स का नहीं पता, एक्स का आंसर निकाल के स्क्वायर कर देंगे इसका। ये टू कैंसिल, स्क्वायर करना पड़ेगा तभी तो वेरिएंस आएगा। ऑप्शन बताओ, सुनो, बी वाई एक्स के फॉर्मूला में आर है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, इसमें से तीन चीजें दी हुई, सिर्फ एक पूछ रहा है। करेक्ट, ये बी वाई एक्स है इसलिए सिग्मा वाई ऊपर आया, अगर बी एक्स वाई होता तो सिग्मा एक्स ऊपर आता। सही बात बेटा, अननोन ऊपर आता है, बी वाई एक्स में वाई हमेशा अननोन होता है, बी वाई एक्स नॉन डिपेंड्स, अननोन डिपेंड्स ऑन नॉन, चैप्टर की शुरुआत में पढ़ाया था। तो सही है, समझा रहा है? अच्छा मुझे पता था, मुझे पता था। इधर देखो, थर्ड स्टेप बता दो, इधर देखो, ये यहां तक समझ में आया? -3/4 √3/2 2/standard deviation of x। चलो इधर देखो, 2 कैंसिल, ये बचा माइनस का 3, तो माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो हाँ के ना, √3 × √3 कितना होता है? 3 होता है, √3 × √3 3 होता है, पता तो था ना। और इधर कितना बचा स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x, √3 √3 कैंसिल, इधर कितना बचा √3/4, इधर कितना बचा 1/standard deviation ऑफ x, दोनों का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा -4/√3, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा बस। अब इसका स्क्वायर करना है क्योंकि मुझे वेरिएंस निकालना है, 16/3। हाँ वेरिएंस ऑफ x ही पूछा ना बेटा जी, तो स्क्वायर करना है, आंसर आ गया, आया वही समझ में। थ्री को क्या लिख सकते हैं? √3 × अगला क्वेश्चन 24 पे आ गए अपन, पता ही नहीं चला। चलो अरे क्या क्वेश्चन है, इधर देखो, y इज इक्वल टू 3x + 4, y ऑन नहीं रिग्रेशन, द रिग्रेशन लाइव ऑन y, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ x, x का अर्थमेटिक मीन कितना है बेटा? जो x होता है वही x मीन होता है, जो y होगा वही y मीन होगा। तो मैं x, ये जो x का मीन है इसी को मैं x भी मान सकता हूँ, इसको x मान के इसमें रखूंगा तो y -3 + 4, x की जगह माइनस रखूंगा तो -3 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी +1, जो y होता है वही y का मीन है। तो ऑप्शन डी ने, बी ने क्या बोल रहे हो, ऑप्शन ए, आया समझ में? जो x होता है वही x बार होता है, जो y होता है वही y बार होता है। तो x की वैल्यू दी है उसको इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू आएगी वही y का मीन होगा, ठीक है बेटा जी? ध्यान से सुने, आज 17 चैप्टर अपना पूरा ओवर हो गया, सेट सी की प्रॉब्लम्स आप घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो सारी प्रॉब्लम सेट सी की करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम अननेसेसरी लेंथी है जिसमें आपको टेबल बनाना पड़ेगी, टेबल बनाने वाली प्रॉब्लम्स आप करना अवॉइड कर सकते हैं।
ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको टेबल बनाना पड़ रही है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कल। ठीक है।